तो भाई ऐश्वर्या चली गई अपने घर, अब मैं घर में हूँ अकेला। टाइम हो रहा है रात के 8, अब फटाफट से सोते हैं क्योंकि थोड़ी देर में शिफ्ट है। हाय गाइस, तो शाम का टाइम हो रहा है, मैं अपने मॉम के यहाँ जा रही हूँ। तो अब थोड़ा हम आपको दिखाएं कि घर जाके कैसा होता है, हमारे घर पे क्या कॉमेडी होती है। तो बताओ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जब एक जूता खरीदने जा रहे हो तो इस घर में कॉन्वर्सेशन कितनी जबरदस्त होती है। कुछ नहीं है, बस जूता ले लाएंगे, उसके बाद अभी जनवरी में रिजल्ट आएगा, फिर उससे ही फेलेंगे हमारे तो पापा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जब से मेरे को, गाइस अभी 10 बज रहे हैं, मेरे को 2 घंटे हो गए आते हुए, लेकिन 1 घंटे पहले आपने कुछ कहा था इन दो बच्चों को, तो आपने क्या कहा था? मैं तो कहते ही रहता हूँ, मुझे कोई पता ही नहीं क्या क्या कहता रहता मैंने 2 घंटे पहले चाय मांगी थी जिसमें से किसी ने नहीं। तो आपका क्या वजह है कि आपने अभी तक चाय नहीं बनाई? हमें जनता नहीं जानना उठा चाहती है। हम नहीं उठ रहे भैया, ठंड होने लग रही ना, हमें लगी। कोई बात नहीं गाइस, हम आपके लिए अरे एक कप चाय एक अदरक बनाएंगे। वाली चाय की अरदास की थी मैंने कि कोई बना दे मेरे को, लेकिन इतना ठंड लग रही है, हमने बोला चलो मिल जाएगी तो अच्छी बात है, चाय पी लेंगे। चलिए ठीक है, हम अभी चाय बना देते हैं। तो आप बनाएंगी या मैं बनाऊं? नहीं, ऐसा कोई शौक नहीं है, हम नहीं जाएंगे, हमको बहुत ठंडी लग रही है। आप क्या हुआ आपके साथ? ये भी टूट गई, खिंची ना इस घर आते हुए। तो बड़ा घर घर की बात है, मतलब पूरे मोहल्ले बता रही क्या आयरन फिटेगा आज। आ रहे हो? हम चाय बना रहे हैं। किसके लिए? अपने पति के लिए। एट लास्ट, तुमने तो किसी ने बनाई नहीं। मैं अपने पति के लिए बना के आई हूँ, तुम अपने पति की चाय बनाओ। हम सोने जा रहे हैं, इन्हें चाय पीने की पहले आपने आज खाने में क्या बनाया? हमने बनाई अरहर की दाल, चावल, शाही पनीर एंड रोटी, और हाँ दही की चटनी भी। ये रात का डिनर है? हम खा चुके हैं, कब हम सूप पियेंगे खाली? इतना खाने के बाद हम सूप पी लोगे? क्योंकि तेरे पापा चाय पियेंगे तो हम सूप पियेंगे, फिर हम सो जाएंगे। गाइस एट लास्ट पापा की पुकार सुनी गई, चाय बन रही है। आओ हम उनसे पूछे कि उनको कैसा लग रहा है कि उनके उठे बिना उनको चाय मिलेगी। कुछ और पिया करते थे, आजकल चाय पे आ गए। सारा दिन तुम यही चलते रहते, तभी तुम्हारी शक्ल ऐसी हो रखी है। ठीक है भाई, शक्ल खराब है हमारी, मतलब बच्चों को ऐसे बुली कर रहे हैं। और आपकी चाय आ गई। यस आई गॉट इट, थैंक यू। तुमने इंस्टेंट कैश लिए, मिल गई नहीं तो अदरवाइज जो लो। सुन लो, सुनने वाले अगर सुन सकते तो सुनो, किचन से क्या क्या ऐसी भयंकर भयंकर आवाजें आ रही है। मम्मी यहाँ आके बोलना जरा, क्या कहा आपने अभी, कैसी लगी चाय? बहुत, तेरी माँ का पूरा प्यार उड़ गया। सर्दियों में सूप की चुस्कियाँ चल रही हैं और हम डिस्कस कर रहे थे गाइस कि किसी की शादी जब क्रैश करनी होती है तो क्या क्या नुस्खे होते हैं। तो सर बताइए। सबसे पहले आप नहाइए, क्लीन शेव करिए, बढ़िया जेल लगाइए, अच्छा सा बेहतरीन सूट निकाल के पहने, अगर जाड़े की शादी है तो कोट पैंट टाई। फिर उस जगह को हंट कीजिए जहाँ पे 3-4 शादी 3-4 वेन्यू एक साथ चल रहे हो। हर वेन्यू पे जा करके बड़ी दिमाग से याद करिए, खुराना साहब की कहाँ हो रही है, शर्मा जी की कौन सी है, अरोड़ा साहब वाली कौन सी है। घुस जाइए कहीं भी, कोई अगर पकड़े, अरे अरे गलती से सर खुराना साहब वाली में जा रहा, गलती से आ गए। तो गाइस मतलब कि पिटने के लिए भी बचने के बहुत सारे तरीके इन्होंने बता दिए कि आप पिटना मत, ये बात आप बोल दोगे तो आप बच जाओगे। हाँ एक बात और, एक टिप्स और ले लीजिए आप लोग, पहले अंदर जाके मुआयना कीजिए कि कहाँ पर कौन से स्टाल है, और हाँ वो जो सबसे बेहतरीन स्टाल होता है जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जहाँ पर लोग बोलते हैं भाई एक लार्ज एक स्मॉल बियर है, उसका जरूर ध्यान रखें, वो जगह सबसे अच्छी मानी जाती है शादी के, और खास करके इन चाड़ों में। अब जाइए, इंजॉय कीजिए, मजे लीजिए,
कोई अगर कंधे पे हाथ रख के बोला भाई साहब किसकी तरफ से, बोला सर बुलाया गया है। किसने बुलाया? बोला सर खुराना साहब ना, बगल वाले का नाम लीजिए ना। अरे ये खुराना साहब नहीं है तो अरोड़ा साहब। ओ गलती होगी सर, गलती होगी, सॉरी सॉरी, निकल दीजिए प्यार से। सिंगल शादी में कभी ना जाए, और खास करके जाटों की शादी में बहुत पिटाई होगी भाई साहब, गिनती नहीं होगी वहां पर। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब ऐसी हरकतें हम करते थे अपने जमाने के टाइम में तो हमें बड़ा बुरा लगता था यार, हम ऐसे ऐसे जाते हैं लोगों का खाना खा के आ जाते हैं फ्री में, कुछ देते नहीं है। लेकिन जब से हमारे महान नायक अमिताभ बच्चन जी ने ये कहा कि ऐसा मैंने भी किया है, तब से मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। ओहो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो गाइस ये बहुत मजेदार है, इसके कभी ना कभी जिंदगी में ट्राई जरूर करना। गाइस अगला मोटिव क्या है? शादी क्रैश करनी है। तो खैर ये थे कुछ नुस्खे बेगानी शादी में घुसने के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना हमारी मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।